भक्ति रस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। हनुमान जी की आराधना कैसे करें? हनुमान जी की आराधना करने का सरल सा उपाय है, अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में जोड़ दीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कपिके कृपा बिलोकिनी खानी सकल कल्याण की। श्री राम के चरणों में जो अपना मन लगा देता है, तो ये समझिए श्री राम की आराधना ही हनुमान जी की आराधना है। हनुमान जी का कितना भी नाम लीजिए, हनुमान जी कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। अगर आपने एक बार उनके आराध्य श्री राम का नाम ले लिया, तो हनुमान जी सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने का सरल सा उपाय है, हर समय अपने मन के भीतर बैठ कर के राम 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 जपिए, राम का काम भी करें और राम का नाम भी करें। राम का नाम जपते जपते निरंतर श्री राम का काम हनुमान जी ने किया। हम सिर्फ राम राम रटें और राम जी का काम ना करें, तो हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम श्री राम का काम भी करते हैं और श्री राम का नाम भी जपते हैं। हनुमान जी को कौन सी वस्तु अधिक प्रिय है? हनुमान जी को सबसे प्रिय है भगवान नाम। हनुमान जी के लिए लोग ये कहते हैं, ये अंगूठी चढ़ाइए, ये लड्डू चढ़ाइए, ये डोरा चढ़ाइए, लेकिन आज कलयुग में हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को अगर कोई भी वस्तु चढ़ानी है, तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तीन चीजों को गोस्वामी जी ने मांगा है और दो चीजों को हरने के लिए कहा है, कलेश और विकारों को। तो हनुमान जी को अपने कलेश और विकार चढ़ा दीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पाठ करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जब भी उनके मंदिर में जाए, तो कभी भी जाए हनुमान ज्ञान गुण सागर ये तो कहे ही ना, उनके मंदिर में खड़े होकर के कह दे, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। अगर आपने एक बार ये कह दिया बाबा जय सिया राम, तो हनुमान जी प्रसन्न ही प्रसन्न है। इसलिए तुलसीदास जी ने जब सुंदरकांड पाठ से पहले किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ, तो जामवंत जी बार बार कहते रहे, लेकिन हनुमान जी को जब ये कहा, राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनतई भयउ पर्वताकारा, उनकी प्रशंसा करने से वो कभी प्रसन्न नहीं होते। मंगलवार के दिन हनुमान जी को कौन सी सामग्री अर्पित करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनको गुलदाने का भोग लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले मंदिर के आसपास देखें, कोई ऐसा दीनहीन कोई दुखी बैठा हो, उसको जाकर के अपने मन से कुछ दीजिए, तन से कुछ दीजिए, कुछ अपनी हाथों से जो आपने जीवन में कमाया वो दीजिए, हनुमान जी पर वो वस्तु स्वयं चढ़ जाती है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। छोटी सी बात है कि हनुमान जी को सिंदूर कब से चढ़ने लगा। एक बार हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम रावण पर विजय करके आए, तो अयोध्या में ही निवास किया करते थे। माँ जानकी के कक्ष में जब एक बार हनुमान जी ने प्रवेश किया, तो माँ भवानी आदिशक्ति जगदम्बा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम, ऐसी माँ जानकी को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ ये आप क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा ये मैं अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। हनुमान जी ने कहा, माँ उससे क्या होता है? बोले, बेटा इससे तुम्हारे प्रभु मेरे स्वामी श्री राम अति प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने इतना सुना और थोड़ी दूर गए, जाकर के पूरे बदन पर सिंदूर ही सिंदूर लपेटा और आकर के राज्यसभा में सबके सामने खड़े हो गए। अब राम जी देखें, पूरी सभा देखें कि ये हनुमान जी करके क्या आए हैं, लालो लाल होकर के आ गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब जैसे ही जाकर के सबने कहा कि हनुमान
ये इतना सिंदूर क्यों लगाया है? तब हनुमान जी ने कहा कि मेरी माँ जानकी थोड़ा सा मांग में सिंदूर भर रही थी, तो मैंने सोचा कि जब मेरे प्रभु एक चुटकी भर सिंदूर से प्रसन्न हो जाते हैं तो पूरे शरीर पर अगर मैं सिंदूर लगा करके आ जाऊँगा तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए उस दिन से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, हर मंगलवार शनिवार सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है।